Hello everyone, today we are going to start chapter 1 of the book 3 and today's topic is the head or subhead of the liability side. तो जो हमने आज तक पार्टनरशिप या प्लस वन में जितनी भी बैलेंस शीट हमने सीखी है तो वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी. हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कैसे होती है, लाइबिलिटीज और एसेट आप ऐसे बनाते थे, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट. लेकिन जो अब बैलेंस शीट है दैट इज लाइक वर्टिकल बैलेंस शीट. तो पहले लाइबिलिटीज आती है, फिर उसका टोटल किया जाता है और फिर एसेट्स आते हैं और हर चीज अपनी हेड और सब हेड के अंदर ही जाती है. तो वी हैव टू लर्न कि सब हेड और कौन से ऐसे मेन हेड जिनके अंदर वो आइटम्स अपीयर करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू कि कैपिटल कहाँ जाएगी, तो कैपिटल का अपना एक हेड है. अगर हम लोन की बात करते हैं तो लोन का अपना एक हेड है और आज हम इन सारी हेड और सब हेड को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जब हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो लाइबिलिटी साइड में तीन मेन हेड्स है. इन तीन मेन हेड्स के अलावा कोई आंसर नहीं होगा. और वो तीन मेन हेड्स क्या है, शेयर होल्डर फंड जिसमें कंपनी के ऑनर्स ने पैसा लगाया हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब जो आपने आउटसाइडर्स को पे करने और जिनकी ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ्स की है. और जब हम बात करते हैं कि अगर आपकी लाइबिलिटीज की ड्यूरेशन लेस देन 12 मंथ्स है तो वो किस हेड के अंदर आती है, मेन हेड उसके लिए क्या होता है, दैट इज अ करेंट लाइबिलिटी. अब इस मेन हेड्स के अंदर अपने सब हेड्स है, जैसे शेयर होल्डर फंड है तो इस शेयर होल्डर फंड के अंदर मेन हेड है, दिस इज अ मेन हेड और इसके अंदर सॉरी सब हेड है. वन इज अ शेयर कैपिटल, सेकेंड वन इज अ रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड वन इज अ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वॉरंट. और मैक्सिमम तुम्हारे एग्जाम्स में जो बोर्ड के होते हैं वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बोला जाता है. जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल, उन्होंने आइटम आपको बोली कि इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे अपीयर करती है, तो जितनी भी शेयर कैपिटल्स है चाहे वो इक्विटी शेयर्स है चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स है, जो तुमने प्लस वन क्लास तक पढ़े हैं तो वो सारे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स आपके किस सब हेड के अंदर आते हैं, तो वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली कहाँ आते हैं, शेयर कैपिटल विल बी द मतलब कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं सब हेड होगा और उसका मेन हेड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड. तो ऐसी अगर आपको ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आ जाती है तो वो भी किसका पार्ट है, आपके सब हेड होगा उसका आंसर दैट इज अ शेयर कैपिटल और मेन हेड होगा दैट इज अ शेयर होल्डर फंड. अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, ये कंपनी की वो पावर होती है जो कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, क्या उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है. और इशू मतलब जो वो पब्लिक को क्या करती है, ऑफर करती है. एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है और पब्लिक क्या करती है, बाय करती है. तो जब हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितने भी चीज़ें जिनके आगे रिजर्व या सरप्लस लिखा होता है, जैसे कैपिटल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, तो ये सारी की सारी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कुछ और आइटम्स है जैसे स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है, जब आपकी कंपनी के इम्प्लॉयज आपसे शेयर खरीदते हैं तो जो भी उनकी पेंडिंग अमाउंट है या जो उन्होंने शेयर्स अभी सब्सक्राइब नहीं किए आपने उन्हें ऑफर किए, तो वो शेयर ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी किसके अंदर जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने प्लस वन में पढ़े हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप कंपनी को स्टार्ट करने से पहले करते हैं, बाय द बिफोर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन सारे जो इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, हम इन्हें क्या करते हैं, जब हमारे प्रॉफिट्स अर्न होने शुरू हो जाते हैं तो हम उनमें से इन्हें डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं. जैसे पहले तो खर्चे कर लिए और फिर जब कंपनी स्टार्ट होगी, प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो गया तो उनमें से इन एक्सपेंसेस को माइनस करना शुरू कर देना है. तो एज अ नेगेटिव आइटम इन्हें क्या किया जाता है, शो किया जाता है. ऐसे ही अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए और डिबेंचर इशू करने पे आपको कोई लॉस हुए, ये लॉस हो सकता है आपने डिस्काउंट दिया हो, तो ये लॉस भी एज अ नेगेटिव आइटम आप क्या करते हो, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर शो करते हो. अब ये आते कैसे एग्जाम्स में, तो अगर तुम्हें मैंने बताऊं कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखा आ जाएगा कैपिटल रिजर्व,
तो ये आपकी आइटम होगी और आपको बोले जाएगा कि हेड और सब हेड बताओ. तो रिजर्व वर्ड है इसका जो मेन हेड होगा दैट विल बी द शेयर होल्डर फंड, और इसका जो सब हेड होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, रिजर्व एंड सरप्लस. फिर जब हम बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की, तो लाइबिलिटी साइड पे वैसे तो चार सब हेड्स है बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, मतलब जब हम बोरो करते हैं और मोर देन वन ईयर के लिए बोरो करते हैं, 12 मंथ्स के लिए बोरो करते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब जो बोरोइंग्स के अलावा है, एंड प्रोविजन्स जो आप फ्यूचर में आपको डर है कि कहीं भी आप होप कुछ पे करना पड़ जाए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है. अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे ये क्या क्या है. ये कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है कि इन चीज़ों को इन्हीं के हेड के अंदर डालें, तो हम इसी के अंदर लेके जाएंगे. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं. डिबेंचर्स जैसे हमने प्लस वन में पढ़े हुए, जैसे शेयर होते हैं वैसे ही डिबेंचर होते हैं. शेयर आर फॉर द ऑनर्स एंड डिबेंचर्स आर अ काइंड ऑफ लोन. तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, जब आप लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की बात करते हो, पब्लिक से आपने लिए, तो वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपके किस में आते हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फिर आते हैं लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड टर्म लोन फ्रॉम बैंक. टर्म लोन का मतलब जैसे आपने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया है या टर्म लोन लिखा गया, तो आपने उसे किसके अंदर डालना है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अब ऐसे तुम्हें लिखा आ जाएगा डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स किसका पार्ट है, डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी वो किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन करेंट लाइबिलिटीज. तो हेड उसका क्या होगा, मेन हेड विल बी अ नॉन करेंट लाइबिलिटी, और सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. और ऐसी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आते हैं, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अगर आपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है, मतलब उन्हें रीपे, डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, तो आप उनको रीपे भी करोगे, तो रीपे करते वक्त आप प्रीमियम देते हो यानी एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पार्ट है. एंड ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपने प्लस वन में पढ़े हुए हैं, ट्रेड पेबल होते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. वैसे तो नॉर्मली ये लेस देन 12 मंथ्स होते हैं, बट अगर मोर देन 12 मंथ्स आ जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ द अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जैसे आपने इम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कुछ पैसा बचा के रखा हुआ है, वारंटीज के लिए रखी हुई प्रोविजन, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पार्ट है. एंड फिर तीसरा मेन हेड आता है लाइबिलिटी साइड का, दैट इज अ करेंट लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी में चार सब हेड्स है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जब आप 12 मंथ से लेस टाइम के लिए बोरो करते हो, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आता है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट यू ऑल नो दैट, जब आप बैंक से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो. लोन रीपेबल ऑन डिमांड मीन्स जब आपको लोन वापस करना होता है डिमांड पर, जब भी आपसे की जाती है, और नॉर्मली ये लेस देन 12 मंथ्स के लिए होता है. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो पेबल करने डिमांड पे, जब भी आपसे कोई डिमांड करेगा. ट्रेड पेबल के अंदर क्या आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. कि अगर हम बात करते हैं क्रेडिटर्स का मेन हेड क्या है, क्रेडिटर्स का मेन हेड है करेंट लाइबिलिटी, और सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल. और ऐसे ही बिल्स पेबल की बात करते हैं, तो बिल्स पेबल तुम्हें पेपर में लिखा आ गया कि बिल्स पेबल का मेन हेड और सब हेड बताओ, तो दिस विल बी योर मेन हेड एंड दिस विल बी योर सब हेड. तो आपको ये मेंशन करने, टोटली थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी प्रैक्टिकल कंबाइन, क्योंकि अगर आपको ये बेस समझ आएगा तब आपको बैलेंस शीट बनानी आती है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं. और अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए है, बट अभी तक ना तो वो बोरोइंग्स का पार्ट है, ना वो ट्रेड पेबल का पार्ट है, ना वो प्रोविजंस का पार्ट है. तो डिविडेंड अगर आपने अभी तक पे नहीं किया है शेयर होल्डर्स को, वो अदर करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है. कॉल इन एडवांस, कोई शेयर होल्डर आपको एडवांस में पैसे पकड़ा गया है, कोई एक्सपेंसेस आपके पेबल है, चाहे वो GST है, चाहे वो इंटरेस्ट पेबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविडेंट फंड पेबल है, ऐसी इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुके हैं ड्यू, मतलब कि आपने अब पे करने हैं या नहीं पे करने अभी, तो जितने भी बोरो किए हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट आपका किसका पार्ट है, अदर करेंट लाइबिलिटीज का. और ऐसी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स की प्रोविजन हो गई, डाउटफुल डेट की प्रोविजन हो गई, ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अभी सारी थ्योरी आपने पूरा पढ़ा, मैंने सिर्फ यही बताया ये चीज़ें इस हेड के अंदर आती है, इस सब हेड के अंदर आती है. आपको ना याद करना पड़ेगा इन सारे चैप्टर्स को, कि
जो क्रेडिटर्स है वो किसके अंदर आते हैं, इनमें से कोई भी आइटम आपको बोर्ड बोल देगा जीएसटी पेबल किसका पार्ट है। तो जीएसटी पेबल, क्योंकि देखो आपको विद इन अ ईयर पे करना पड़ेगा, तो होगा वो किसका पार्ट, शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा क्योंकि आपको इतना अलाउ नहीं किया जाएगा टाइम। तो वो अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोर, मतलब कि अगर हम बात करते हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट होगा और करेंट लाइबिलिटीज विल बी द मेन हेड। आपको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स किसका पार्ट है, तो यू विल से इट्स सब हेड विल बी द शॉर्ट टर्म प्रोविजन और इट्स मेन हेड विल बी द करेंट लाइबिलिटीज। ऐसे आपको डिबेंचर्स बहुत पूछ लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको शुरू से मार्क करवा देती हूँ। रिजर्व्स के ऊपर बहुत आ जाते हैं पॉइंट, उनको ध्यान से समझते हैं। कोई भी रिजर्व स्पेसिफिकली कैपिटल रिजर्व, वैसे तो वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट, जिसके आगे भी वर्ड रिजर्व या सरप्लस लिखा आ जाता है वो रिजर्व एंड सरप्लस उसका सब हेड होते हैं, और उसका मेन हेड क्या होता है, दैट इज अ शेयर होल्डर फंड, ये होता है उसका मेन हेड। तो ये आपने रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर बहुत फोकस करना है, ऑथराइज्ड कैपिटल बोर्ड ने एक बार पूछी हुई है। और जब हम बात करते हैं डिबेंचर्स बहुत बार आए हुए हैं, टर्म लोन फ्रॉम बैंक बहुत बार आया हुआ है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बहुत बार आया हुआ है, एक और वर्ड भी बहुत आया हुआ है, दैट इज अ करेंट मेच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर। करेंट मेच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जो डिबेंचर्स आपने पे करने होते हैं वो नॉर्मली 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होते हैं, बट जिस साल उन्हें पे करना होता है, जिस साल वो करेंट ईयर में मेच्योर होने वाले हैं, उन्हें पे बैक करना है, तो अदर करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स बोर्ड में बहुत आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत बार आता है, और क्रेडिटर्स आते हैं पेपर में, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। तो यू शुड लर्न ऑल दीज कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है, इम्प्लॉयज बेनिफिट की प्रोविजन्स, तो यू शुड लर्न ईच एंड एवरी आइटम कि उनके हेड और सब हेड्स क्या है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, रेस्ट दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरी चैप्टर और आपको लर्न करना पड़ेगा। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स।